क्या आपको पता है, शोले फिल्म के हीरो धर्मेंद्र और हीरोइन हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद अपना क्या नाम रखा था? अगर नहीं पता तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। हेमा मालिनी तमिल ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। हेमा मालिनी का पूरा नाम हेमा मालिनी रामानुजम चक्रवर्ती है। हेमा का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ। फिल्म में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए हेमा मालिनी ने अपनी पढ़ाई 10वीं क्लास के बाद छोड़ दी थी। उसके बाद उनको 1961 में एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला। जब हेमा को तेलुगु फिल्म पांडव वनवास में ब्रेक मिला तो उनकी उम्र महज 13 साल की थी। हम आपको कुछ पीछे ले जाते हैं ताकि आपको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के शादी के क्लाइमैक्स का पता लगे। कितनी मुश्किल से दोनों की शादी हुई। हेमा मालिनी ने हिंदी सिनेमा में कई साल तक बेहद संघर्ष किया। साल 1968 में उन्होंने राजकुमार निर्देशित फिल्म सपनों के सौदागर में अभिनय किया। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद हेमा के करियर में वो होने वाला था जिसे आम भाषा में हम चमत्कार कहते हैं। इसके बाद हेमा मालिनी ने 2 फिल्में साइन की, देवानंद के साथ जानी मेरा नाम और धर्मेंद्र के साथ तुम हसीन मैं जवान। 1970 में ये दोनों फिल्में रिलीज हुई। ये दोनों फिल्में बड़े पर्दे पर सुपरहिट साबित हुई, लेकिन हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की नज़दीकियों की खबरें हेमा के पिता VSR चक्रवर्ती को बेहद परेशान करने लगी। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए हेमा का परिवार उन पर बेहद दबाव, लेकिन हेमा के लिए धर्मेंद्र से दूर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया था। एक बार तो फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने कैमरामैन से एक सीन को बार बार शूट करने के लिए कहा। धर्मेंद्र इस सीन को बार बार शूट करवाना चाहते थे ताकि वो हेमा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। हेमा मालिनी के करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म सीता और गीता साइन की। ये फिल्म उनके सिनेमा के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वो शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। सीता और गीता वही फिल्म है जिसकी शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के नज़दीक आए और दोनों का प्यार परवान चढ़ा। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ फिल्म करते और सारी फिल्में कामयाब भी होती चली जा रही थी। यही नहीं, फिल्म के साथ धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता और भी मजबूत होता चला गया। एक समय तो हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी तक पहुंच चुकी थी। फिर चेन्नई में एक शाम हेमा मालिनी के बंगले पर दोनों के परिवार शादी की बात करने के लिए मिले भी, लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़ पाती, कहानी में हो गई हीरो यानी धर्मेंद्र की एंट्री। जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की बात चल ही रही थी कि अचानक हेमा के घर के टेलीफोन की घंटी बज उठी। फोन था मुंबई से धर्मेंद्र का, जिन्हें चेन्नई में हेमा और जितेंद्र के परिवार की मुलाकात की खबर लग चुकी थी। धर्मेंद्र बेहद गुस्से में थे। उन्होंने हेमा से कहा कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच ले। जितेंद्र हेमा से शादी करने की जल्दी में थे। उन्होंने हेमा से कहा कि वो फौरन उनके साथ तिरुपति चले और शादी कर ले। हेमा सोच ही रही थी कि तभी एक फोन आया, लेकिन इस फोन पर धर्मेंद्र नहीं थे बल्कि थी लंबे समय से जितेंद्र की गर्लफ्रेंड रही एयर होस्टेस शोभा सिप्पी। शोभा को भी चेन्नई में चल रही शादी के बारे में पता था। उन्होंने कहा कि वह कोई जल्दबाजी में आकर कदम ना उठाए। 1978 में हेमा मालिनी के पिता की अचानक मौत हो गई। हेमा मालिनी उनके बेहद करीब थी और उनकी मौत के बाद वो बेहद अकेली हो गई। ऐसे वक्त में धर्मेंद्र ने उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनका साथ दिया। बस फिर क्या था, हेमा ने धर्मेंद्र से शादी करने का फैसला कर लिया। कानून के मुताबिक धर्मेंद्र पहली पत्नी होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए 21 अगस्त 1989 को इस्लाम धर्म कबूल करते हुए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने निकाह कर लिया। निकाहनामे के मुताबिक धर्मेंद्र का नाम था दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम था आयशा बी। उस समय दोनों ने अपने निकाह की बात छुपाई, लेकिन जब ये खबरें सामने आई तो हंगामा हो गया। उस दौर में भी इसे लेकर काफी विवाद हुआ, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा ने इस विवाद का असर अपने रिश्ते पर नहीं पड़ने दिया और इस निकाह के कुछ महीने बाद 2 मई 1980 को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक भी शादी कर ली।
शादी का ये पूरा समारोह हेमा के आयंगर परिवार की परंपरा के मुताबिक हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और भी दिलचस्प जानकारी के लिए बने रहिए हमारा भारत और हमारे सहयोगी चैनलों के साथ। नमस्कार।